गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। कोरोना काल में घर में ऑनलाइन पढ़ाई पर विशेष ध्यान दें। आज मैं समास आपके सामने लेकर आया हूँ और इससे पहले संधि के सारे भेद, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि क्रम से यूट्यूब के चैनल पर डाल चुका हूँ। आप प्लेलिस्ट में UMS कहाँ करी चैनल में जाएं और सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और उसे एक तरफा से देखें। यदि पिछले वीडियो आप नहीं देखे हैं तो उसे देखें। और इसके बाद अब मैं नेक्स्ट चलता हूँ हिंदी व्याकरण में। समास जिसको अंग्रेजी में कहते हैं कंपाउंड, समास का परिभाषा क्या होगा? दो या दो से अधिक पद शब्दों के मेल से बने सार्थक शब्द को समास। विग्रह करते हैं तो दो शब्दों से मिल रहा है, सम और आस। सम का अर्थ होता है संक्षिप्त, इसका अर्थ होता है संक्षिप्त, और यहाँ आस का अर्थ होता है कथन, अर्थात संक्षिप्त कथन। समास समस्त पद, अब ये तो समास समझ गए। समस्त पद क्या है? समस्त पद या समासिक पद समास के नियमों से बना शब्द समस्त पद या समासिक शब्द कहलाता है। समस्त पद या समासिक शब्द, तो समास के नियमों से बना शब्द समस्त पद या समासिक शब्द कहलाता है। आइए समास विग्रह को जाने। समस्त पद के पदों को अलग अलग किए जाने की प्रक्रिया समासिक विग्रह कहलाती है। जैसे नीलकमल, नील कमल का विग्रह क्या होगा? नीला है जो कमल, नीला है जो कमल। तो पद में समासिक शब्द या पद में हम जान रहे हैं कि दो या दो से अधिक शब्द या पद मिले हुए हैं, तो उनको अलग अलग करना ही विग्रह कहलाता है। आइए अब हम आगे चलते हैं। समास के मुख्यतः छह भेद होते हैं। कौन कौन? अव्ययी भाव समास, एडवर्बल कंपाउंड्स, तत्पुरुष समास, डिटरमिनेटिव कंपाउंड्स, कर्मधारय समास, अपोजिशनल कंपाउंड, द्विगु समास, न्यूमरल कंपाउंड्स, द्वंद समास, कंपाउंड, बहुव्रीही समास, एट्रिब्यूटिव कंपाउंड। अब हम एक एक करके समझते हैं कि क्या होता है अव्ययी भाव समास की क्या विशेषताएं होती हैं, तत्पुरुष समास की क्या विशेषताएं हैं, यानी सभी को एक एक करके हम लोग अब देखेंगे, है ना। तो जिसका पूर्व पद प्रधान हो वो अव्ययी भाव समास कहलाता है, तत्पुरुष समास जिसका अंतिम पद प्रधान हो वो अव्ययी भाव समास कहलाता है, जिसका दोनों पद प्रधान हो उसको कर्मधारय समास, नहीं द्वंद समास कहा जाता है, जिसका दोनों पद प्रधान, जैसे माता पिता, तो माता पिता बीच में हाइफन रहेगा, अभी हम एक एक करके बताएंगे, ठीक है। द्विगु समास जिसमें नवमी यानी कि चवन्नी अठन्नी जिसमें गिनती का बोध हो, बहुव्रीही समास जिसमें पूर्व पद भी प्रधान नहीं हो, अंतिम पद भी प्रधान नहीं हो और कोई तीसरा अर्थ और मायने निकलता हो तो उसे हम बहुव्रीही समास कहते हैं। आइए हम क्लासिफिकेशन ऑफ कंपाउंड्स में देखते हैं समास का वर्गीकरण पदों की प्रधानता के आधार पर। पदों की प्रधानता के आधार पर हम छह समास को यहां हम देख सकते हैं कि किसमें आता है। पूर्व पद जिसका प्रधान हो वो सिर्फ और सिर्फ अव्ययी भाव समास में आता है।
उत्तर पर प्रधान हो, तत्पुरुष कर्म धारक दिगु, ये तीनों इसके बाद वाले पूर्व पद और उत्तर पद समय से है ना, कि पूर्व पद किसको कहेंगे, पहले वाले पद। जैसे हम अभी हम इसका उदाहरण लेते हैं जन्म, और इसमें हम एक अव्यय लगा देते हैं, क्या हो गया आजन, मतलब जन्म से लेकर, तो ये उत्तर पद कहलाएगा, ठीक है। और हम इस पे कुछ उदाहरण देते हैं, जैसे राजकुमार, तो ये उत्तर पूर्व पद कहलाएगा, ये क्या कहलाएगा उत्तर पद यानी बाद वाले पद, ठीक है। तो जिसका बाद वाला पद प्रधान, उसमें से कौन कौन से समास हो सकते हैं, तो तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास और द्विगु समास होगा। जिसका दोनों पद प्रधान हो उसको हम द्वंद समास कहेंगे, जैसे माता पिता है ना, भाई बहन, ये सभी द्वंद समास में आएंगे। और ऐसा भी कंडीशन है जिसका कोई पद प्रधान नहीं हो है ना, अप्रधान, दोनों पद अप्रधान मतलब प्रधान नहीं है, तो वो इसमें कोई तीसरा पद प्रधान होता है। जैसे हम बोले कि लंबोदर, तो लंबा है उदर अर्थात पेट, यानी लंबा है जिसका पेट अर्थात गणेश, तो यहाँ पर तीसरे का संबोधन हो रहा है, ठीक। देखिए अब अव्यय भाव समास किसको कहते हैं, थोड़ा इस पर हम विस्तार से चर्चा करें। जिस समासिक शब्द का पहला शब्द, पहला पद या शब्द, हम पहले बता चुके कि जिस समासिक शब्द का पहला पद प्रधान हो, साथ ही अव्यय हो, अव्यय किसको कहते हैं, अव्यय उसको कहते हैं जो कारक वचन लिंग से प्रभावित ना हो। जैसे यहां देख रहे हैं ये पूर्व पद सारे पद हैं सो अव्यय है, प्रति इसका क्या बहुवचन होता है, क्या यथा बहुवचन होता है, लिंग क्या स्त्रीलिंग पुल्लिंग होता है, नहीं, तो अव्यय उसको कहते हैं जिसमें कारक वचन या लिंग से प्रभावित ना हो सके। तो हम समझ गए कि जिस समासिक शब्द में पहला पद अव्यय हो तो हम आंख बंद करके हम कह सकते हैं कि ये अव्यय है, अव्ययी भाव समास है। जैसे पहला पद में क्या आ सकता है अव्यय, अनु या प्रति भर यथा हर आदि होता है, प्रति जोड़ दिन, प्रतिदिन, प्रतिदिन मतलब प्रत्येक दिन, यदि हम इसको समासिक विग्रह करेंगे, समासिक विग्रह पहले बताएं कि समासिक समस्त समासिक पद को अलग अलग करना, यथा संभव जितना संभव हो, अनुरूप रूप के अनुसार, भर पेट, पेट भर के, भर पेट मतलब पेट भर के, तो पेट भर के क्या हुआ ये विग्रह कहलाएगा। तो ये समझ गए कि समासिक अव्यय भाव समास किसको कहते हैं, जिस समास का पहला पद अर्थात पूर्व पद अव्यय तथा प्रधान हो उसे अव्यय भाव समास कहते हैं। जैसे में बहुत सारे उदाहरण हैं, प्रतिदिन, अथा संभव, अनुरूप, भर पेट, ठीक है, ओके। तो हम नेक्स्ट रचना
को करने वाला रचनाकार अब देखिए तत्पुरुष समास किसको कहेंगे हम समास में अव्ययीभाव समास के बाद तत्पुरुष समास जो कि दूसरे नंबर पर समझा रहे हैं कि जिस समास में उत्तर पद हम पहले बोले कि बाद वाले पद अर्थात अंतिम पद प्रायः समास के दो पद होते हैं पूर्व पद एक उत्तर पद तो अंतिम पद प्रधान तथा दोनों के बीच कारक चिन्ह लुप्त हो जाता है उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। इसमें कारक चिन्ह का बहुत ही प्रधानता है आइए समझते हैं। जैसे राजा का कुमार इसमें का लुप्त हो गया है इसको हम राजकुमार से भी समझते हैं राजकुमार अर्थात समझ जाते हैं कि राजा का कुमार अर्थात राजपूत यानी राजा का पुत्र राजा का बेटा। धर्म का ग्रंथ धर्म ग्रंथ रचना को करने वाला रचनाकार तो यहाँ देखिए कारक का चिन्ह आपको मिलेगा। कारक का कितने चिन्ह हुए तो 8 चिन्ह हैं। जैसे कर्ता ने कर को करण से संप्रदान के लिए आपादान से संबंध का कि अधिकरण में पेपर संबोधन है हो हरे अजी तो इसमें कर्ता को छोड़कर और संबोधन को छोड़कर बाकी बचे 6 तो तत्पुरुष समास के 6 भेद होते हैं। तत्पुरुष समास में सबसे महत्वपूर्ण है कि आप इसको तो ओमिट कर दीजिए और ये ओमिट कर दीजिए ये नहीं आता है बाकी 6। अब इसमें बहुत तरह का कंपटीशन में प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछता है कि गगनचुंबी कौन सा समास है तो वहाँ ऑप्शन में द्वितीय तत्पुरुष प्रथम तत्पुरुष इस तरह से पूछता है इसलिए नंबर भी याद रखें। तो गगनचुंबी हम तत्पुरुष समास का कारक के अनुसार जितने भी भेद होते हैं वो मैं उदाहरण के साथ पेश कर रहा हूँ। गगनचुंबी अब देखिए गगन को चुंबने वाला यहाँ को क्या है साइलेंट है तो ये को चिन्ह यहाँ पर आया चिड़ीमान चिड़िया को मारने वाला आदि बहुत से उदाहरण है। जब हम विग्रह करेंगे उस समासिक शब्द को हम विग्रह करेंगे तो पता चलेगा कि यदि कारक का चिन्ह आ रहा है तो इसके अनुसार आप पकड़ सकते हैं कि कौन सा तत्पुरुष है आपादान तत्पुरुष है कि कर्म तत्पुरुष है कि संप्रदान तत्पुरुष है। तो आइए तो गगनचुंबी कौन सा समास होगा तो ये कहलाएगा कर्म तत्पुरुष समास। चिड़ीमान कर्म तत्पुरुष समास। कर्म से तो जैसे करुणा से पूर्व करुणापूर्ण करुणा से पूर्व रेखांकित रेखा से अंकित मदान मध से अंधा मदान ज्यादा शराब पी लिया है अब उसको कुछ बुझ नहीं रहा है किसी को तो उसको कहते हैं ये मदान है तो मदान मध से अंधा करुणा से तो से इसमें लुप्त हो रहा है लुप्त है छिपा हुआ है आपको समझना पड़ेगा कि से इसमें छिपा हुआ है तो ये कौन सा समास होगा करुणापूर्ण। तो यहां आपको विभक्ति तो हमेशा याद रखनी चाहिए तो करण तत्पुरुष और करण तत्पुरुष यदि ऑप्शन में ना हो तो कौन सा तत्पुरुष द्वितीय तत्पुरुष तृतीय तत्पुरुष तो इससे आप नंबर से भी पकड़ सकते हैं। प्रयोगशाला पर अब देखिए यहां के लिए है तो प्रयोग के लिए साला प्रयोगशाला गौशाला गौ के लिए अर्थात गाय के लिए साला हथकड़ी हाथ के लिए कड़ी तो ये कहलाएगा हथकड़ी।
तो के लिए इसमें हथ कड़ी जब हम समासित विग्रह करते हैं हाथ के लिए कड़ी, तो ये के लिए छिपा हुआ है, आपको समझना पड़ेगा। तो ये तत्पुरुष समास आएगा। तो कौन सा तत्पुरुष समास, अब पूछेगा प्रयोगशाला में कौन सा तत्पुरुष समास है, तो संप्रदान तत्पुरुष, या नहीं तो प्रयोगशाला कौन सा समास है, अव्ययीभाव समास, द्वंद्व समास, द्विगु समास, तत्पुरुष समास, तो आप वो सीधा हो जाएगा तत्पुरुष समास। लेकिन तत्पुरुष समास के अंदर अधिक डीपली पूछे, थोड़ा गहराई में जाए, तो आपको यहाँ पर आना होगा कि ये आप संप्रदान तत्पुरुष समास आएगा। अब उसी तरह से अपादान से ऋण मुक्त, ऋण से मुक्त, जलहीन जल से हीन, गुणहीन गुण से हीन, तो यहाँ पर से ये छुटा हुआ है, मतलब छिपा हुआ है, ठीक है, जलहीन जल से हीन, तो समझ गए संबंध का के की। अब देखिए मैं एक एक उदाहरण दिया हूँ, राजा आज्ञा, राजा का आज्ञा कहाँ छिपा हुआ है, पराधीन, पर के अधीन, मतलब दूसरे के अधीन, पर के अधीन, तक ये आया। देश रक्षा, देश की रक्षा किया है, तो जहां पर का के की छिपा हो तो वो संबंध, यहाँ संबंध बता रहा है, देश की रक्षा, देश के साथ संबंध बता करके ये बोध हो रहा है कि देश की रक्षा की बात हो रही है। तो देश रक्षा, पराधीन, पर के अधीन, मतलब दूसरे के अधीन, तो यहाँ जरूर एक दूसरे के साथ संबंध का बोध हो रहा है। अधिकरण में पेपर, तो में अधिकरण में पर, जैसे पुरुषोत्तम कहते राम, भगवान राम पुरुषोत्तम थे, तो पुरुषों में उत्तम, तो में आया, तो यहाँ में छिपा हुआ है। धर्मवीर, धर्म में वीर, आप बीति, आप पर बीति, यहाँ पर आया, आप बीति, आप पर बीति, तो इस तरह से तत्पुरुष समास हो गया। अब इसी के अंतर्गत में और तत्पुरुष समास के अन्य भेदों में से सबसे महत्वपूर्ण है अन्य भेद में ने समास। ने समास नाम से ही पता चल रहा है, जिसमें नेगेटिव हो, नकारात्मक हो, पूर्व पद मतलब पहले का पद, अ अन न गय न आदि छिपा मतलब रहता है, जैसे अधर्म, यहाँ देखिए अधर्म, न धर्म, अनहोनी न होनी, गैर गैर मौजूदगी मतलब बिना मौजूदगी का गैर, तो इस तरह से हम समझ सकते हैं कि जहां पर नेगेटिव हो मतलब नकारात्मक हो, जैसे अधर्म मतलब धर्म, न अधर्म मतलब न धर्म, तो समझ जाइए कि ये नए समास है, ठीक है, ये तत्पुरुष समास ओके हो गया। समास की बात करूं, उदाहरण समास देखिए कि जिस समस्त पद का उत्तर पद मतलब बाद वाले पद प्रधान हो, तथा पूर्व पद मतलब पहले पूर्व पद व उत्तर पद में उपमान, उपमेय अथवा विशेषण विशेष से संबंध हो, कर्मधारय समास कहलाता है। आइए समझिए कि कर्मधारय समास में विशेष उपमा या उपमेय का विशेषता करना होगा, ठीक है, तो उपमा उपमेय छिपा हुआ रहता है, आप ये वर्ड से ही पकड़ में आ जाएगा कि ये कर्मधारय समास है। कैसे इसकी परिभाषा आप अभी देख लें, पहचान क्या होगा कि विग्रह करने के बाद मध्य में जब हम विग्रह करेंगे तो मध्य में के समान या है जो रहेगा, जैसे परमानंद, परम परम है जो आनंद, परम है जो आनंद, देखिए है जो आ रहा है, तो ये पहचान होगा कि विग्रह करने के बाद मध्य में के समान या है जो, ये है जो रहे, के समान रहे आदि आते हैं। चरण कमल, चरण कमल, चरण के समान
कमल के समान चरण। यहां देखिए ये पूर्व पद कहलाएगा चरण और कमल उत्तर पद। हम क्या लिखें कि उत्तर पद प्रधान, उत्तर पद प्रधान है। यहां उपमा दे रहे हैं किस किसे, तो चरण, चरण का उपमा कमल से हो रहा है। चरण के समान, कमल के समान चरण, मतलब जो चरण है वो किसके समान है, तो कमल की जैसा है, कमल के समान है। प्राण प्रिय, प्राण प्राणों के समान प्रिय, जिस तरह से प्राण प्रिय होता है उसी तरह से वो प्रियता की बोध कर रहा है कि प्राणों के समान प्रिय। तो उत्तर पद पूर्व पद में उपमा, उपमेय यानी कि ये प्राणों का, प्राण से इसका तुलना कर रहा है इस शब्द का, मतलब उपमा दे रहा है। लाल है जो मणि, मणि का उपमा लाल, लाल रंग से हो रहा है। तो लाल है जो मणि परमानंद, परम है जो आनंद। तो इस तरह से यहां देखिए कि विशेषता, विशेषण या विशेष्य आपको नजर आएगा, इसीलिए विशेष विशेषण विशेष का संबंध हो तो आप समझ जाएं कि ये कर्मधारय समास है। वीडियो में द्विगु समास, द्वंद्व समास और बहुव्रीहि समास का वीडियो अपलोड करूंगा, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाने से थोड़ा सा परेशानी होता है अपलोड करने में। तो बच्चे ध्यान दें कि इसको नोट कर लेंगे कॉपी में और बारी बारी से उसको देखेंगे, प्रत्येक वीडियो को समझकर और नोट करें, और इसी से संबंधित पुस्तकों में भी उलट करके और देखें, पढ़ने विभिन्न चैप्टर वाइज देखा करें और अच्छा से अच्छा करने का प्रयास करें। धन्यवाद, थैंक यू।